हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरसीसी डिज़ाइन की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरसीसी डिज़ाइन के लिए हम आज केवल एक सिंपल सपोर्टेड बीम को एनालाइज करेंगे और डिज़ाइन करेंगे। तो एक सिंपल सपोर्टेड बीम की प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए एक बीम है जिसमें एक साइड है पिन सपोर्ट और दूसरी साइड है आपके रोलर सपोर्ट, ठीक है, और उसके बीच में एक लग रहा है पॉइंट लोड केवल 50 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसका जो बीम का साइज हम इनिशियली लेके चलते हैं, जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो डेप्थ लेके चलते हैं हम 300 mm और विड्थ लेके चलते हैं हम 230 mm। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमें नहीं पता कि हमारा बीम 50 किलो न्यूटन पे इस क्रॉस सेक्शन के साथ पास होगा कि फेल होगा। हमने तो इनिशियली मिनिमम साइज जो होता है 230 बाय 230 होता है, हमने 300 बाय 230 लेके चलते हैं, फिर देखते हैं पास होता है नहीं होता। अगर फेल होता है तो पास होने के लिए कौन सा क्रॉस सेक्शन चाहिए, चलिए देखते हैं और रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे होगी, ठीक है। और M15 इसका ग्रेड ले लेते हैं और स्टील ले लेते हैं 415, क्लियर कवर बीम के लिए 25 mm ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मीटर का ये बीम है, तो न्यू स्पेस आरसीसी डिजाइन, जैसे न्यू प्रोजेक्ट करते हैं ग्रिड आ जाती है। 10 मीटर का बीम बनाना है तो सिंपली हम ग्रिड से बनाते हैं, क्लिक करते हैं 0 पर और 10 पर और ग्रिड को क्लोज कर देते हैं। फ्रंट व्यू पे चले आते हैं, बीम सीधा दिखे हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम सपोर्ट लगा देते हैं, एक पिन ये लिए और एनालाइज कर दिया हमने वो, सॉरी सपोर्ट पे क्लिक करना होता है, फिर नोट सेलेक्ट करना होता है, फिर असाइन, फिर एक सपोर्ट हम बना लेते हैं फिक्स बट, इसमें हम सभी पे क्लिक करेंगे केवल एफ वाई को छोड़ के, क्योंकि रोलर पर एफ वाई, जैसे रोलर सपोर्ट ये है इस डायरेक्शन में है, तो इस पर केवल एक एफ वाई रिएक्शन ही डेवलप होगी, इसीलिए हम एफ वाई को छोड़ देते हैं और जिस पर टिक करते हैं वो 0 हो जाती है। इसको असाइन कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक। क्रॉस सेक्शन हमने बात की थी कि डेप्थ ले लेते हैं रेक्टेंगल में 300 mm और विड्थ ले लेते हैं 230 mm, ठीक है। ऐड किया और इसको मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। लोड एंड डेफिनेशन में हमने ले लेते हैं एक केवल डेड लोड, सेल्फ वेट नहीं ले रहा हूं मैं डेड लोड के अंदर, क्योंकि हमें केवल एक पॉइंट लोड की वजह से जो भी रिएक्शन डेवलप होगी वो देखनी है। तो 50 किलो न्यूटन का हमें पॉइंट लोड लगाना है मेंबर पर, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स माइनस मिस डाउनवर्ड, और कहाँ लगाना है सेंटर में, तो यहाँ पे D1 D2 कुछ नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक सेंटर में लग जाएगा। और इसको असाइन कर देते हैं इस बीम के ऊपर, लोड लग चुका है, लोड का एरो बहुत बड़ा आ रहा है, तो एरो में और वीडियोस में लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे ठीक करते हैं, तो लिख कर लेते हैं। इस पे जाएंगे, स्केल्स अप्लाई इमीडिएटली और पॉइंट फोर्स है आपका, ये देखिए पॉइंट फोर्स है, तो इसी की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो एरो का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। ओके कर देते हैं, शिफ्ट प्लस वी से हमें पता जाएगी लोड की वैल्यू। ये हमारा बीम बन चुका है, इसको एक बार एनालिसिस कर देते हैं। एनालिसिस हो चुका है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होनी चाहिए 50 किलो न्यूटन की हाफ 25, सिमेट्रिक बीम है और यहाँ पे 25, तो चेक करें एक बार। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं और यहाँ पे रिएक्शन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे रिएक्शन जो है 25 25 वाई डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा लोड किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं, बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए 25, ये है, अगर मैनुअली आप कैलकुलेट करते हो तो 25 मल्टीप्लाई बाय दिस और ये कितना है आपका 5, तो कितना हो जाएगा ये 125 125 न्यूटन पर मीटर,
तो चेक करते हैं वैल्यू, देखिए वैल्यू कैसे चेक करते हैं मेंडिंग मेट की, आप जाएंगे रिजल्ट व्यू वैल्यू और यहाँ पे क्लिक कर देंगे बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट एंड मेक, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए बड़ा जूम कर लेते हैं, ओवरलैप हो रही है, रिएक्शन हो रही है, देखिए 125, तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट भी ठीक है। अच्छा आप बता सकते हैं इसमें रिएक्शन सॉरी शेयर फोर्स कितना डेवलप होगा, शेयर फोर्स यहाँ पे 25 25, ठीक है। अच्छा ये जो चीज आ रही है गलत आ रही है ना, शेयर फोर्स ऐसे नहीं होगा इसका, इसका शेयर फोर्स ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो स्टैक प्रो में यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा गलत देता है, तो उसमें हम डबल क्लिक करके शेयर फोर्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे शेयर फोर्स ये रहा, अब देखिए अब ये ठीक है, ठीक है, तो 25 25 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको डिजाइन करना, तो हम जाएंगे डिजाइन टैब पे, ये रहा डिजाइन टैब, ठीक है। डिजाइन टैब के बाद हम यहाँ जाएंगे, पहले डिजाइन टैब पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पे रिज्यूम कर दी। अब देखिए जब मैंने डिजाइन पे क्लिक किया तो डिजाइन की प्रॉपर्टी बॉक्स यहाँ पे आ चुका है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कोड, जिस कोड के अकॉर्डिंग हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हम सिलेक्ट करते हैं IS 456 2000 फॉर RCC के लिए, तो कोड सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से IS 456। सॉरी एक गलती हो गई जो हमेशा मेरे स्टूडेंट करते हैं, वो क्या है कि जब हम कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टैब हो रहा है कंक्रीट का, यहाँ पे उस पर क्लिक करना होता है, और हम स्टील के टैब के अंदर IRC का कोड ढूंढते रहते हैं, और स्टूडेंट पूछते हैं सर IRC कोड है ही नहीं इसमें। चलिए मैंने भी ये गलती कर दी, कंक्रीट पे क्लिक करेंगे उसके बाद कोड ढूंढेंगे, देखिए ये रहा कोड, कोड ले लिया आपने। कोड सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे देख रहे हो डिफाइन पैरामीटर का एक टैब है, इस टैब में हमें कुछ पैरामीटर RCC डिजाइन के इनपुट करने होते हैं, बट उनकी जो यूनिट्स है वो न्यूटन पर एमएम में है, न्यूटन फोर्स और एमएम आपकी लेंथ, तो क्यों ना हम यूनिट चेंज कर लें, तो हम यहां से यूनिट चेंज कर लेते हैं, ये रहा, और मिलीमीटर और न्यूटन ले लेते हैं। अब हम पैरामीटर पे जाते हैं, तो ये बहुत सारे पैरामीटर हैं जितने आपको देने हैं अपनी चॉइस से दे सकते हैं, जैसे कि मैं दूंगा क्लियर कवर और कंक्रीट का ग्रेड, स्टील का ग्रेड, मिनिमम मैक्सिमम बार डाया और रेशियो। और एक चीज के बारे में आपको बताता हूँ, क्लियर कवर 25 बीम के लिए मैंने क्लिक किया और ऐड कर दिया, यानी कि आपको यहाँ पे इनपुट डालना होता है उसके बाद ऐड पे क्लिक करना होता है, ठीक है, तो मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे देखिए आ चुका है क्लियर कवर। उसके बाद मेरे को FC कंक्रीट का ग्रेड हम कितना ले रहे थे 15, मैंने 15 डाला, ऐड कर लिया। उसके बाद FY मेन स्टील का ग्रेड 415 और ऐड किया, ये अपना स्टीरअप का ग्रेड ये भी सेम ले लेते हैं 415 ऐड। उसके बाद पूछ रहे मैक्सिमम डाया कितना यूज करना चाहते हो आप, देखिए इसका जो एल्गोरिथम है या इसका जो रूल है वो कैसे काम करता है, मान लीजिए मैंने मिनिमम डाया दे दिया 10 mm और मैक्सिमम दे दिया 20 mm, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 10 mm का डाया डालेगा और देखेगा स्ट्रक्चर पास हो रहा है, सुटेबल है या नहीं, उसके बाद 12 डालेगा ऐसे, जिस डाया जो डाया सबसे परफेक्ट होगा वो उसमें डाल देगा, तो मैक्सिमम डाल देता हूँ मैं 25 ऐड कर लेता हूँ, स्टिरअप के लिए 8 ऐड, इसी तरह मिनिमम ये कि यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है तो मैं 12 डाल देता हूँ, IS कोड के अकॉर्डिंग जो मेन बार है वो मिनिमम 12 डाया होता है, उससे कम नहीं डालते, ऐड कर लिया, और स्टिरअप के लिए मैं 6 डाल देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, और परसेंटेज ऑफ स्टील 4 रहने देते हैं, यानी क्रॉस सेक्शन का कितना परसेंट स्टील अलाउ कर रहा है आपका कोड, ऐड कर लिया क्लोज। अब देखिए यहाँ सारे ये सारे क्लियर जो आपने अभी इनपुट दिए हैं सारे यहाँ पे आ गए, और सबके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है येलो कलर का, क्योंकि वो प्रॉपर्टी यहाँ तो आ गई है पर अभी बीम पे अप्लाई नहीं हुई है, तो बीम पे अप्लाई करनी है, तो क्लियर कवर असाइन टू व्यू कर देते हैं एक ही बीम है, कंक्रीट का ग्रेड ये भी असाइन टू व्यू, स्टील ग्रेड, स्टील अप ग्रेड, ये सब चीजों को हम असाइन टू व्यू कर देते हैं। उसके बाद जब हम ये सारे पैरामीटर असाइन कर देंगे उसके बाद एक और टैब होता है आपका कमांड का, ठीक है, इस कमांड के पैरामीटर पर क्लिक करेंगे
इसमें आता है क्या चीज डिजाइन करना चाहते हो, बीम कॉलम स्लैब, तो हमें बीम करना है ना, तो हमें बीम पे क्लिक करके ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने बीम पे ऐड कर दिया। उसके बाद कॉलम तो है नहीं इसमें, ठीक है, स्लैब भी नहीं है। अब ये टेक ऑफ क्या है, कि टेक ऑफ कमांड अगर आप लोगे तो ये हमें आउटपुट में ये भी बता देगा कि कंक्रीट का वॉल्यूम क्या है जो इसमें यूज हो रहा है बीम में, और स्टील का एरिया जो है, इस वेट जो है इसमें कितना यूज हो रहा है, ठीक है। टोटल वेट ऑफ कंक्रीट, टोटल वेट ऑफ स्टील, तो टेक ऑफ भी ले लेते हैं, एट क्लोज। तो देखिए यहाँ पर डिजाइन का भी एक वो है, इसको भी असाइन कर लेते हैं, टेक ऑफ ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है, ठीक है, ये हो चुका है। अब हम एनालाइज कर देते हैं, एनालाइज जीरो एरर डन। अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे बीम पे, और यहाँ पे देखेंगे कंक्रीट का एक टैब आ रहा है, ठीक है, पहले नहीं था। और यहाँ पे देखिए रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है कि यहाँ इस एंड पर 20 mm के तीन बार, और यहाँ पर भी 20 mm के तीन बार, यानी कि ऊपर टोटल तीन बार जा रहे होंगे कंटिन्यूस फुल लेंथ 20 mm, और नीचे है हमारे 8 बार 16 डायर, ठीक है, ये है इसका रिइंफोर्समेंट। अब जरा आउटपुट में देखते हैं, जो मैंने बताया था टोटल वेट ऑफ स्टील, ये आउटपुट होता है। इस पर क्लिक करके आपको लास्ट में जाना है, देखिए ये रहा 6 mm के जो हमारे इसमें बार यूज हो रहे हैं हमारे इस बीम में, उनका वेट है न्यूटन में 295, 16 mm के जो यूज हो रहे हैं उनका वेट है 619, और 20 mm के जो यूज हो रहे हैं 524, तो टोटल वेट जो स्टील का इसमें यूज हो रहा है 1238, और टोटल जो कंक्रीट यूज हो रहा है वो 0.7 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये जो आया है ना, इतना ये आया है आपका टेक ऑफ कमांड से। उसके बाद देखिए इस बीम का रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है, टॉप पे कितना है, इतने एमएम है, इतने एमएम है, इतने एमएम, और बॉटम पे इतना एमएम है, ठीक है। तो ये है आपका रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग और आरसीसी डिजाइन। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए, जो भी चीज समझ में आए कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर।